राधा सुमी कबीर साकी संग्रह नाम कांग ओ ये विवेकी शब्द का जाय मिले परिवार हो ये विवेकी शब्द का जाय मिले परिवार नाम गहे सो पहुँचे मानव का हमार ए परम संत सतगुरु कबीर साहब जी की बाणी है। कबीर साहब ने इस बाणी में नाम की महिमा का बयान किया है। सब संतों ने नाम के बारे में कहा है कि नाम बड़ी ऊंची चीज है। स्वामी जी महाराज यहां तक कहते हैं 52 अक्षर लोकत्रय, हिंदी में 52 अक्षर होते लिपि, और 52 अक्षर से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की रचना हुई है, और उसी 52 अक्षर के अंदर सप्त कोट 7 करोड़ मंत्र होता है देवी देवताओं के। एक दो तरह ने 7 करोड़ मंत्र हैं, ये सब अक्षर में आते हैं। जो अक्षर में आते हैं वो लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, दिखाई देते हैं, वो नाश होते हैं। जो दिखते हैं वो नाश होते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा है ये अक्षर ढह जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना, कहते ये अक्षर नाश होते हैं 52 अक्षर के अंदर जो कुछ भी है, लेकिन जो संत नाम देते हो इन अक्षरों में नहीं। तो हमें शंका हो सकती है जब अक्षर ही नहीं तो हम कैसे सुनाई देगा, हमें संत कैसे देते हैं, क्योंकि अक्षर होवे तो ही हम सुन सकते हैं। तो पहले जो 5 नाम दिया जाता है ये भी वर्णात्मक नाम है, ये भी नाश होता है। ये खाली 9 दरवाजे से 10वें तक आने के लिए, क्योंकि हम जड़ शरीर में हैं तो जड़ से अलग होने के लिए जड़ की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमें 5 नाम का सुमरण सदगुरु का ध्यान बताया गया, खाली 9 दरवाजे से 10वें में आने के लिए। जब 10वें में आ जाते हैं तो जो सच्चा नाम है, जो सतलोक सचखंड से आके हमारे 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है 24 घंटे, जिसको शब्द कहते हैं, कहते वो प्रकट हो जाता है। क्योंकि संत नामदान के दिन जब 5 नाम देके हमें ध्यान में बिठाते हैं तो हमारे अंदर दोनों आंखों के बीच में आत्मा भी है शब्द भी है, एक दूसरे का कनेक्शन नहीं है। तो नामदान देके जब ध्यान में बिठाते हैं सुमरन के लिए, उसी समय वो हमारे अंदर जाके वो शब्द को, आत्मा को शब्द से जोड़ते हैं। तो वही सच्चा नामदान होता है जो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है, वो आत्मा के कानों से उसकी आवाज सुनी जाती है, आत्मा के आंखों से उसका प्रकाश दिखाई देता है, वो अनलिखित भाषा है। तो कहते वो कोई ग्रंथों में भी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो अक्षर इनमें नहीं, ये 52 अक्षर के अंदर वो नाम नहीं है, वो शब्द है जिसे गुरु हमें जोड़ता है, और शब्द इन अक्षरों में नहीं आ सकता, वो तो आत्मा के कानों से ही सुना जा सकता है, आत्मा के आंखों से उसका प्रकाश देखा जा सकता है। तो वही आप इशारा करते हैं हो विवेकी शब्द का, कहते हैं कि जो शब्द के विवेकी हैं, जो रात दिन भजन सुमरन करके शब्द को प्रकट करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से को कामयाबी होती है, और ऐसे प्रेमी आत्मा एक दिन अपने परिवार में जाके मिलता है, यानी सतलोक सचखंड पहुंचता है। वो नाम बड़ी ऊंची चीज है जी।
सुरति समावे नाम में जग से रहे उदास। सुरति समावे नाम में जग से रहे उदास। कहे कबीर गुरु चरण में दृढ़ राखो विश्वास। तो वही इशारा देते हैं कि इस तरह से वो नाम कब प्रकट होता है, जब हमारे मन से मन सुमरन ध्यान करके निर्मल हो जाता है और उसमें आशा और तृष्णा खत्म हो जाती है, मोह खत्म हो जाता है और उसका सच्चा प्रेम प्यार सद्गुरु के चरणों से जुड़ जाता है, जब वो शब्द प्रकट होता है। हमने हालांकि बाबा जी की कृपा हुई, सोमनाथ महाराज जी की, जब हम आश्रम में गए 1974 जनवरी को ही, एकदम जनवरी स्टार्ट में गए थे बॉम्बे से नौकरी छोड़ के, उस समय हमारी 21 साल की उम्र थी। तो 73 में बॉम्बे में सत्संग मिला, खाली 1.5 महीना सत्संग सुने, बैराग पैदा हुआ, भाग गए। तो कहते हैं कि हम जनवरी में ही गए तो उस समय बाबा जी ने हमें पूछा आप सेवा में रहेंगे या दर्शन करके जाएंगे। तो हमने कहा नहीं, कुछ दिन सेवा करना है, क्योंकि मैंने 1.5 महीना सत्संग सुना था और रात दिन सत्संग के ख्याल में रहने से विरह पैदा हो गई थी, गुरु दर्शन का तड़प पैदा हो गई थी। तो महाराज ने हमें नाइट ड्यूटी दिया, तो हम नाइट पहरा करते हुए, अब 111 एकड़ जमीन आश्रम का, 111 एकड़ बहुत होता है, एक चक्कर लगाना पड़ता था, 20-20 मिनट में एक एक चक्कर लगाना पड़ता था, 15-20 मिनट हाल के पास बैठते थे फिर एक चक्कर, फिर 15 मिनट बैठते थे फिर एक चक्कर, तो 1.25 किलोमीटर का चक्कर होता था एक चक्कर, क्योंकि 111 एकड़ जमीन, नारियल की छोरी होती थी। तो सुमरन करते हुए जाते थे, सुमरन करते हुए घूमते थे, सुमरन करते हुए घूमते थे, रात भर सुमरन करते घूमने से देखो सुमरन में कितनी ताकत है, विरह पैदा हो गई। और विरह गुरु को जितना भी देखे कम है, जितना भी देखे कम है। महाराज उतरते थे, उनको देखते देखते हाल तक जाता था, महाराज बैठते प्रार्थना चालू हुआ तो मैं भाग जाता था, क्योंकि हमारे को सत्संग भी मना किया था, बाबा सत्संग में नहीं आना, तुम ड्यूटी करना। तो हमें सत्संग भी नहीं मिलते थे, लेकिन देखो इस तरह से सुमरन करने से, रात को बार बार सुमरन से जुड़े होने से, करीब महाराज की कृपा 6 महीने में मिली, रात माने रात भर सुमरन करने से। ड्यूटी करने के टाइम सरल में सुमरन चलता था, क्योंकि वहां पे सांप बिच्छू बहुत ज्यादा रहते थे, जंगली, और वो महाराज ने पहाड़ तोड़ के जमीन बनाई थी, सब बाबी सांप बाहर आ गए थे, रोज 4-6 सांप दिखाई देते थे। तो सुमरन करते गमबूट दिया था बाबा जी ने, गमबूट पहन के चलते थे, उससे शब्द होता था तो सांप हट जाते थे। तो कहते इसे सुमरन करके चलने घूमने की आदत हो गई। तो सुमरन करने 6 महीना ही खाली लगातार रात भर सुमरन करने से देखो रू चढ़ाई करने लगे, सत्संग में बैठे महाराज को देखते देखते रू चढ़ाई करने लगे। हाँ, तो महाराज कृपा हुई, मेरे अंदर जो मोह था कोई ये थी वो सब निकल गया। फिर सपने में कोई ख्याल नहीं आया कि मेरा भी कोई अपना है, मेरा भी कोई देश है, मेरा भी कोई गांव है, सब खत्म, एक गुरु गुरु रह गया। तो हम 8 साल रह गए आश्रम में और 5 साल आंध्र प्रदेश के पहाड़ों में भजन सुमरन करके निकाले। हम अब बाबा जी का ही आश्रम है आंध्र प्रदेश में,
बहुत अच्छा आश्रम पहाड़ के बीच में, तो वहां 5 साल निकाल दिए, 13-14 साल। तो कहते हैं बाद में अजब सिंह महाराज दर्शन करके बनारस जाने का था, तो महाराज बोले बेटा तुमको आंध्रा में रहना, तुम बनारस जाने का ख्याल छोड़ दो, आंध्रा में सत्संग करना है। तो बस उनकी एक छोटी सी हुकुम मान के हमें जाना ही पड़ा आंध्रा में। तो उन्होंने बहुत कुछ दिया, रूहानियत से, धन दौलत से, सब तरह से हमें निहाल कर दिया। हमारे पास आश्रम के कपड़ा खाने के अलावा कुछ नहीं था। आज सोम अजायब ने बहुत कुछ दिया है। तो कहने का मतलब गुरु कृपा। तो इस तरह से गुरु के चरणों में प्रेम और प्यार होना चाहिए, और दुनिया से वैराग्य होना चाहिए अंदर में, और हम दुनिया में रहे लेकिन अंदर होवे, रहना नहीं देश बेगाना है, हमें जाना है या नहीं रहना है, दुनिया से कोई लगाव ना रहे तो जल्दी कामयाबी हासिल होती है, वो नाम जल्दी प्रकट होता है। लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जीव बेचारा क्या करे, एक जन्म दो जन्म के कर्मों की मैल मन पे नहीं चढ़ी है, करोड़ों जन्मों की मैल है, मन मलिन हो चुका है। अब वो इतना सत्संग सुन के सब कुछ जानबूझ के भी हम बार बार दुनिया के रंग में रंग जाते हैं। संत कहते हैं कि भाई दुनिया के लोग अज्ञानी हैं बेचारे, उनको पता नहीं, उनको ना गुरु मिला ना सत्संग मिला ना नाम मिला, वो यही कर्म धर्म पकड़ के बैठे हैं। तुम्हें तो सब कुछ मिला, गुरु भी मिला, नाम भी मिला, सत्संग भी मिला। और सत्संग में यही बातें बताई जाती है बार बार, कहते हैं कि भी फिर भी हम दुनिया के रंग में ही रंगे और गुरु और नाम से दूर हो जाएं, तो बताओ कैसे कामयाबी हासिल होगी। तो इसीलिए चाहिए कि पहले हमें पता नहीं था, सत्संग नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, अभी तो गुरु भी मिला, नाम भी मिला, सत्संग भी मिला। तो अब चाहिए कि गुरु पहले दुनिया पीछे, नाम पहले दुनिया पीछे, सवेरे उठ के पहले भजन सुमरन करना और बाद में दूसरे काम को जाना, तब तो कामयाबी मिलेगी। और पहले दुनिया पीछे गुरु, कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि अंदर हम दुनिया को बसा लिए अंदर, और बाहर बाहर हम कितना भी भक्ति करें तो कामयाबी नहीं मिलती। जैसे अंदर वैसे बाहर भी रहना चाहिए। हम बोलते एक हैं, करते एक हैं, चलते तीसरे हैं। जब तीनों तीन तरफ है तो हमारी भक्ति कैसे पूरी होगी। तीनों एक होना चाहिए। तो कहते हैं तब कामयाबी हासिल होगी। जी उस अवसर नहीं पाई हो दरो नाम कड़ियार, अस अवसर नहीं पाई हो दरो नाम कड़ियार, भव सागर तर जावत ब पलकन लागे बार। तो वही कबीर साहब कहते हैं देखो भाई ऐसा अवसर फिर हाथ नहीं आना, ये मानव शरीर का समय है, ये मुक्ति का दरवाजा है, परमात्मा ने आपको ये चांस दिया है ये दुख से छुटकारा पाने के लिए, भव सागर को पार कर पार होने के लिए ये मानव शरीर। अगर इसमें हम नहीं चेते तो हम जब दूसरे शरीर में जाएंगे तो क्या भक्ति करेंगे, जिसमें आकाश तत्व ही नहीं होता, विचार ताकत ही नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई
यह अवसर नहीं पाई हो। गहो नाम करतार, कहते उस नाम को पकड़ो, वो तुम्हें इस भवसागर से पार करेगा। क्यों? एक नाम ही है और नाम गुरु से मिलता है, तो इसलिए चाहिए कि गुरु के चरणों से प्रेम होवे और भजन सुमरन रोज रोज करें। हम दुनिया भी कारोबार करें, देखो गुरुमुख हो गए हैं, बाल बच्चे में रह के वो गुरुमुख हुए हैं। सावन सिंह महाराज भी मिलिट्री में इंजीनियर, सिविल इंजीनियर थे। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का जमाना था, 12 घंटे कठिन ड्यूटी करनी पड़ती थी, दौड़ दौड़ के थक जाते थे, लेकिन रात को उन्होंने बैरागन बनाई थी लकड़ी के, खाली 2 फीट चौड़ा, 2 फीट और 2-2 फीट चारों तरफ से लकड़ी रिपर डाले ये करके उसमें खड़ा होके, लकड़ी के उसमें जो बनाए हुए थे उसमें खड़ा होके और अपने बाल को ऊपर बांध के रात भर खड़े होके भजन करते थे। दिन भर ड्यूटी, रात भर भजन। क्यों? उनके भी बाल बच्चे थे, 3 लड़के हैं उनके भी, सब कुछ था, लेकिन नहीं, नाम पहले ड्यूटी पीछे। तो रात भर ड्यूटी करते माने भजन करते और दिन भर ड्यूटी, क्योंकि हमने पहले भी कहा है, एक बार सावन सिंह महाराज ने जयमल सिंह महाराज जी को लेटर लिखा था कि महाराज ड्यूटी में थक जाता हूं और खाना खा के जब रात को ध्यान बैठता हूं तो नींद आती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ड्यूटी को राजीनामा दे दूं और आपके पास आके आपकी सेवा और भजन बंदी करूं आश्रम में। तो जयमल सिंह महाराज कहते हैं कि बेटा अगर ऐसा करोगे तो एक जन्म तुम्हें फिर लेना पड़ेगा। क्यों? कुछ कर्म तुम्हारा उसी तरह से कटना है, गृहस्थी में रह के वो कर्म ऐसे ही रह जाएंगे जो प्रारब्ध में है, और उसको भुगतने के लिए आपको फिर दुनिया में आना पड़ेगा। तो क्यों नहीं अपना ड्यूटी बजाते हुए जाओ। मैंने देखा एक बार पुणे में सत्संग था, उस समय हम बॉम्बे में थे आरआर सिंह के इधर, तो पुणे में वहां से गाड़ी निकली थी फ्री, पूरा गाड़ी चरण सिंह महाराज जी का प्रोग्राम पुणे में था, तो पूरी गाड़ी बुक थी। तो हम लोग भी उसमें ही गए और वहां गए, वहां पे इतनी बारिश आई कि पंडाल विंडाल सब गिर गया। महाराज जी को आने में खाली 10-15 मिनट का टाइम पंडाल गिर गया पानी भर के, जो कि 2 साल से बरसात नहीं थी, इतनी बरसात हो गई। अब करे क्या, सेवादार लोग परेशान, इतना जल्दी सफाई करना, सब कीचड़ कीचड़ हो गया। अब महाराज आने को 10-15 मिनट ही बाकी, तब उन्होंने क्या किया, 2 बड़ा बड़ा ये होता ना वो ग्लारी करके भूसा लेके मंगवाए, सार रूम माने जो सा मशीन होती, लकड़ी की मशीनें होती हैं, वहां से सब भूसा जगह 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 से जा जा के ला ला के नीचे डालने लगे, और नीचे डाल के कहते हैं कि देखो थोड़े ही टाइम में उन्होंने कीचड़ के ऊपर वो डाल के सुखा दिया, बैठने के लायक बना दिए, और फिर पंडाल भी सब दूसरे पंडाल डाल रहे थे, इतने में महाराज आ गए, कहते रहने दो। और ऐसे उनका तो गीला ही था, ऐसे बैठ के उन्होंने सत्संग दिया। तो उसी समय में एक लड़का, छोटा बच्चा है, गुजर गया था किसी का, और वो सत्संग का अभी 2 ही दिन का प्रोग्राम 3 दिन का था, तो बोला अगर ये बच्चे का कार्यक्रम में जाएंगे तो
हमारा ये सत्संग छूट जाएगा। तो वो लोगों ने कुटुंब परिवार ने क्या किया, वो मुर्दे बच्चे को ताला लगा दिया और बोला आने के बाद काम करेंगे, पहले सत्संग सुन के आए। देखो कौन करेगा जिसको गुरु से प्रेम प्यार है, वो ताला लगा के बच्चे के ऊपर कपड़ा डाल के सत्संग में आ गए दोनों, और आके सत्संग सुन रहे थे, रो रहे थे कि महाराज ये क्या हालत है, बच्चा छोटा था गुजर गया और इस तरह से हम छोड़ के आए हैं। तो छोटा बच्चा गुजर जाए तो किसी को भी तकलीफ, सत्संग सुन रहे थे और माँ वो जो है कि रो रही थी लड़के की माँ। तो कहते हैं देखो मालिक की कृपा, वो बच्चा वहां पे उसको जान आ गई और वो उठ गया और रोने लगा, 6 साल का बच्चा। अब अगल बगल वाले लोग आके देख रहे हैं कोई बच्चे को, कौन है ऐसा माँ बाप जो बच्चे को ताला मार के गया, किधर गए। अब ये लोग तो मुर्दे को डका रख के आए थे और उसको जाना के। तो बाद में जब पूरा सत्संग खत्म हुआ ये हुआ तो भाग के गए, और जाके तो लोग अगल बगल वाले जमा हो गए थे, लोग बहुत गुस्सा करने लगे, कैसे माँ बाप हो तुम, छोटे बच्चे को ताला में बंद करके गए हो। तो अभी कुछ बोल भी नहीं सकते थे ये लोग तो उनसे उनको तो आंख से पानी गिर रहा था कि मालिक ने देखो क्या किया तो कहते क्यों, उन्होंने गुरु को मुख्य रखा तो गुरु ने उनकी सुन ली कहते ऐसा प्रेम प्यार अगर सदगुरु के चरणों में रहे, नाम से रहे, तो जो अनहोनी भी होनी हो जाती है, काम हो जाता है। लेकिन हमें गुरु के ऊपर भरोसा नहीं है, दुनिया के ऊपर भरोसा है। हम दुनिया को मुख्य रखते हैं और गुरु को ऊपर ऊपर से प्रेम करते हैं। तो इसीलिए तो स्वामी जी महाराज ने कहा है ना, गुरु को ऊपर ऊपर गाता गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु को दिल भीतर तो नहीं लाते, भीतर तो दुनिया को बसाए, जगह ही नहीं। ऊपर ऊपर गुरु गुरु करते प्रेमी भी बन जाते, लेकिन अंदर दुनिया भरी, आशा और तृष्णा भरी है। तो बताओ गुरु कैसे राजी होगा कहते भाई गुरु को बिठाओ क्योंकि हमें जन्म मरण से छुटकारा पाना है, फिर इस दुनिया में नहीं आना है, तो पहले गुरु पीछे दुनिया, तब तो काम बनेगा। और पहले दुनिया पीछे गुरु तो कामयाबी नहीं मिलेगी जी। आशा तो एक नाम की, दूजी आस निराश। आशा तो एक नाम की, दूजी आस निराश। पानी माई घर करे तो मरे प्यास। तो वही कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर आशा रखनी है तो नाम की आशा रखो, और दूजी आस रखोगे तो निराश होना पड़ेगा क्यों, ये दुनिया धन दौलत और कुटुंब परिवार अंत समय हमारी मदद नहीं कर सकते, सब बाहरी बाहर रोते बैठते हैं। यमदूत आके उस जीव को पकड़ के ले जाने के समय कोई आके वहां बचाता है तो कहते ये कोई भी हमारी मदद नहीं करते, अगर कोई मदद करने वाला है तो एक सद्गुरु, दूसरा नाम। इसीलिए हम कहते हैं भाई सुमरन करने की आदत डालो, रास्ता चलते समय, खाना बनाते समय, काम करते समय, बस में जाते समय भी अगर आप सुमरन करते जाएंगे
कोई घटना घटना है तो भी आपकी वहां रक्षा हो जाएगी। जहां सुमरन होता है वहां गुरु रहता है, आपकी रक्षा हो जाएगी। हमने ये वाक्य अपने आंखों से देखा है। एक बार एक महात्मा ने, मैसूर में रहते हो, वो भी उपदेश देते हैं और उनके भी बहुत सारे शिष्य हमारे आंध्र प्रदेश में, तो वो हमारे आश्रम से 3 किलोमीटर पे आए हुए थे। तो मैं कोई सामान लेने के लिए वहां गया था, दुकानें हैं वहां पे, तो वो दुकान वाला उनका शिष्य था, तो बोला हमारे गुरुदेव आए हुए हैं, आप भी आओ उनसे मिले। तो हम बोला बड़ी अच्छी बात है, महात्माओं से मिलना बुरा क्या है, चलो गए। वो दीक्षा पे बैठे थे, वो थे मुस्लिम, उनका नाम अनवर बादशाह था, लेकिन शिव भक्त थे वो इतना ऊंचा रुद्राक्ष रख के वो उपदेश देने के पहले वो ध्यान में बैठते थे, शिव का रुद्राक्ष के ऊपर हाथ रख के और ध्यान बैठे थे, पीला पीताम्बर पहन के, जबकि मुसलमान पीताम्बर नहीं पहनते बैठे थे। मैं अंदर गया, वो प्रेमी आदमी उस समय तो नहीं ले जाना चाहिए, वो पूजा बैठे थे हमको भी मालूम नहीं, वो अंदर लेके चला गया वो कमरे में। अब उन्होंने देखा, बोलते हैं आप राधा स्वामी के शिष्य हैं? बोले हाँ बोले आप पहाड़ पे रहने के समय एक बार मैं आया था वहां पे, उस समय हमारा ही मैनेजमेंट था पहाड़ पे, आंध्र प्रदेश में पहाड़ के ऊपर मैं आया था, और आपने हमारी बड़ी इज्जत की थी, और मैं एक दिन वहां रह के आया था। बोले हाँ जरूर, मैं 4 साल पहाड़ पे, 5 साल था तो बोले अच्छा, मैंने मैसूर में 120 एकड़ जमीन लिया है, दोनों तरफ नदी है, बीच में पहाड़, वो पहाड़ का पूरा भाग खरीद लिया है, एक बार आप आओ। हम बोला अच्छी बात है, जरूर समय मिलेगा हम आएंगे। तो बाद में उनके शिष्य लोगों ने सुना था ना, वो महीने में एक बुक, एक बस बुक कर दिया, और मैं और मेरे साथ एक और थे, वो दोनों को फ्री सीट क्यों कि हमारे बहाने उनको भी दर्शन मिलेगा तो वो हमारे दोनों को फ्री सीट रखा था। तो हम लोग बोले चलो मैसूर, हम केंगेरी नजदीक है मैसूर से, केंगेरी में 8 साल रहे लेकिन मैसूर हमने देखा ही नहीं तो चलो इस बहाने मैसूर देखने को मिलेगा और राजमहल भी देख के आएंगे। तो वहां गए, रात को पहुंचे, अब नदी पार करके जाना पहाड़ के ऊपर, अब नदी जोर से बह रही है, आवाज आ रहा है। ये लोगों ने क्या किया है, जगह जगह कुछ ये बना के उस पे खंबा रखा है, इलेक्ट्रिक का 2 खंबा, वहां तो कोई रास्ता भी नहीं, वो खंबा के ऊपर चल के जाना उस तरफ, अब आवाज नीचे आ रहा है, इतना जोर से नदी बह रही, एक को पकड़ के एक जा रहे हैं, बड़ा विचित्र मय था, लेकिन गए लोग। तो उन्होंने बहुत अच्छा गेस्ट हाउस में रखा ऊपर, उनके लिए बनाया था गेस्ट हाउस, लेकिन वो नहीं रहते थे, वो एक झोपड़ी बना के भजन करते थे, अच्छा आदमी था वो लेक्चरर था, स्कूल में पढ़ाता भी था वो मैसूर में तो वो बड़ी इज्जत दिया, सवेरे उन्होंने आश्रम दिखाया, नाश्ता दिया, हम लोग वहां से बस लेके निकले। अब बस इतना स्पीड जा रहा था, डाउन था, सिंगल रोड, इधर कालवा इधर कालवा, और नारियल के बगीचे बड़े बड़े मैसूर में, तो वो स्पीड में जा रहा था नया बस, उसका स्टेयरिंग राड कट हो गया, 80 के स्पीड में स्टेयरिंग राड कट हो गया, सिंगल रोड। अब हम दोनों आगे बैठे थे, राधा स्वामी सी से, बाकी सब बम बम स्वामी सी से
अभी हम लोग तो सुमरन करते जा रहे, ये लोग ढक्की ताल लेके भजन गाते जा रहे, उनका वही भजन ही सब कुछ है। अब सुमरन करते हैं, अब वो स्टेरिंग राड कट हो गया, आगे का स्टेरिंग राड कट हुआ तो चाक घूम गया। अब चाक घूम गया तो गाड़ी उस तरफ जाना ही था ना, बस पूरा भरा हुआ है, नहीं गई बस, चाक ऐसे है और ऐसा ही चली जा रही रोड पे। एक फरलांग तक डाउन में, बस एक फरलांग तक ऐसा ही गया, सारा रोड काला पड़ गया, इतना आवाज आया जोर से उसने ब्रेक में, और ऐसा ही गई गाड़ी एक फरलांग तक, पूरा दो चाक घिस गया। इतना दूर से लोग, 125 किलोमीटर दूर गांव था, वहां से लोग आए, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन रोड छोड़ के बस नहीं गई, रोड पे ही खड़े थे, ये गुरु कृपा थी। तो कहते भाई हम सुमरन करते जाएंगे, तो जहां सुमरन है वहां गुरु होता है, तुरंत उसकी संभाल हो जाती है। तो सब लोग बच गए। बड़ा बाद में सवेरे 10:30-11 बजे घटना हुई है, वहां कुछ खाने के लिए नहीं जाना, 125 किलोमीटर गांव में, तो हम लोग नारियल ले लेके पैसे से खरीद के वो पी के वहीं बैठे थे, और वो बेचारे जाके कहां कहां से 2 टायर नया लेके आए, टायर तो पूरा कट गया, मैकेनिक स्टेरिंग राड सब लेके आके लगा के चाय करने में उनको 6 बज गया शाम को। तो कहते भाई देखो इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन किसी को खरोच भी नहीं आया। क्यों? गुरु रक्षा करता है, लेकिन भरोसा होना चाहिए। तो कहते हम इसीलिए महात्मा कहते भाई दुनियादारी करो, हम भी तो किसान हैं, जो हम आपके सामने बैठे हम कोई महात्मा नहीं है। हम भी तो खेती करते हैं, हमारे पास भी 30 एकड़ जमीन है, 200 नारियल के पेड़ हैं, 400 आम के पेड़ हैं, हम भी खेती में रात दिन घूमते हैं, खेती करते हैं, जो भाई लोग आए उनको मालूम है। हम किसान हैं, हम भी खेती करते हैं, लेकिन गुरु गुरु करते हुए। हाँ, वही गुरु गुरु करते हुए आप भी करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, गुरु गुरु करते हुए करो, क्या जाता है? क्यों हाय हाय करते हुए करना? दुनिया की चिंता करते हुए, भाई अपने बस में कुछ होता तो हम चिंता करके उसको बना लेते थे, लेकिन कितना भी चिंता करे तो कुछ होता है? हाँ, तो कहते हैं कि भाई नाम की चिंता करो, सुमरन करते हुए, तो आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा, आप यहां भी सुखी रहेंगे, गुरु का दया का हाथ आपके सिर पे आ जाएगा, वो आपको यहां भी मदद देता रहेगा दुनिया में भी, और आपका परलोक भी बनता जाएगा, तो यह लोक और परलोक दोनों फायदा मिलता है सुमरन करते, दुनियादारी करने से। तुकाराम जैसा करो, सक्कू भाई जैसा करो। सक्कू भाई तो गृहस्थ आश्रम में ही थे ना, रंगा 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 करते हुए। तुकाराम जी रंगा रंगा करते हुए सब कुछ किया, बाल बच्चे में रहे, रंगा रंगा, देखो बाद में पांडुरंगा ने पुष्पक विमान भेजा, मुक्त हो गए, बैकुंठ गए। वो बिचारी नहीं किया, वो इधर ही रह गई। क्योंकि ये नाम रूपी धन ऐसा है, जो कमाता है उसी के साथ जाता है, स्त्री करती है स्त्री के साथ जाता है, पति पुरुष करता है पुरुष के साथ जाता है, उसका इसको नहीं आता, इसका उसको नहीं जाता, यही एक धन ऐसा है। वो नाम रूपी धन। तो महात्मा कहते भाई वो धन कमाओ, जो धन भाई बंधु छीन नहीं सकते, चोर चुरा नहीं सकते,
जो कमाता है उसी के साथ जाता है, बाकी धन के तो सब वारिस होते हैं, चोर डाकू भी होते हैं, परिवार के लोग भी होते हैं और ना मालूम कितने होते हैं। लेकिन ये धन ऐसा धन है जो कमाता है उसी के साथ जाता है, नाम रूपी धन। तो कहते वो धन कमाओ, वो धन जमा करो, सुमरन करते हुए रास्ता चलो, सुमरन करते हुए खाना खाओ, सुमरन करते हुए कारोबार करो, हल जोतते हो सुमरन करते हुए करो, खेती काम करते हो सुमरन करते हुए करो। क्या बात, जो हम दुनिया का सुमरन करते हुए करते हैं वैसे नाम सुमरन करते हुए करें तो काम बन गया। जैसे माया मन रमे वैसे रमे जो राम, जैसे हमारा मन माया के रंग में रंगा है वैसे नाम के रंग में रंग जाए, काम बन जाए। किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, घर बैठे मालिक मिल जाता है। हमें पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहनने की भी जरूरत नहीं है, जंगल पहाड़ों में जाके उपवास मरने की जरूरत नहीं, घर में बाल बच्चे में रह के भी हम मालिक से मिल सकते हैं जी। आसा तो एक नाम की दूजी आस निवार, आसा तो एक नाम की दूजी आस निवार, दूजी आसा मारसी जो चोपर की सार। तो भैया फिर कबीर साहब कहते हैं आशा एक नाम की करो, दूजी आस करोगे तो अंत में निराश होना पड़ेगा, ऐसी हालत होगी आपकी। क्यों, हम क्या करते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, नाम को छोड़ देते हैं, ये दुनिया सच मान के इसको पकड़ के बैठते हैं, मेरा मेरा मेरा, ये दुनिया अंत समय साथ छोड़ देती है, एक भी कुछ साथ नहीं आता। उस समय इसकी यह हालत होती है जो एक जुआरी की हालत होती है, जैसे एक जुआरी जुआ में हार के उदास खिन्न भाव भावना से घर में लौट के जाता है, मरते समय जीव की यही हालत होती है, जिसको अपना बनाए बैठा था, जब एक सामान भी उसका साथ नहीं देता तो ये सिर पीट के जाता, अरे मैं तो सब छोड़ के चला। इसी को गुरु नानक ने कहा है, अंत पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत चुग के जाने के बाद में जाके वहां सिर पीटो तो थोड़ी अनाज जाएगा घर में, पहले आपको राखन में रहना था। अब लास्ट टाइम में बुढ़ापे में पश्चाताप करने से फायदा नहीं, जो कर्म कर लिए बन गया और बन गया, उसको भुगतने के लिए जीव लाचार है, 84 में जाना ही पड़ता है, दुख कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई आस एक सतनाम की, दूजी आस निराश, दूजी आस करोगे तो अंत समय निराश होना पड़ेगा, जब वो सारी चीजें आपका साथ छोड़ देगी जी। नाम जोरती एक है पाप जोरती हजार, नाम जोरती एक है पाप जोरती हजार, आदरती घटे संचरे जारी करे सब चार। अब कबीर साहब नाम की महिमा करते हैं, कहते हैं नाम एक रत्ती और पाप कहते हैं कि कई गुना बड़ा, हजार हजारों गुना बड़ा पाप कई है, पाप ज्यादा है, करोड़ों जन्मों के पाप हैं, और कहीं नाम एक थोड़ा भी शब्द अंदर प्रकट हो जाए, जार कहते हैं जार करे सब छार, सबको जला के एक सेकेंड में भस्म कर देता है, वो नाम बड़ी ऊंची है, पवित्र है। एक बार वो शब्द हमारे अंदर प्रकट हो जाए तो एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं, वो नाम में ऐसी ताकत है। उस शब्द को प्रकट करने के लिए ही संतों ने हमें
इस नौ दरवाजे से अंदर आने के लिए सुमरन और ध्यान का तरीका, ये हमें यहां से निकाल के दसवें तक लेके आता है सुमरन। उसके आगे सुमरन नहीं ले जा सकता, जबान बंद हो जाती है, बुद्धि लय हो जाती है, तो हम क्या सुमरन करेंगे। तो जो शब्द से गुरु ने अंदर ने जोड़ा है, जो शब्द से, वो शब्द प्रकट होता है और ज्योति प्रकट हो जाती है, लाइट, और उसके आधार पे हमारी रूह चढ़ाई करते हैं। अगर वो कनेक्शन नहीं है तो हम ऊपर नहीं जा सकते, तो इसीलिए संत उस शब्द से जोड़ते हैं। उसी का प्रकाश हमें अंदर दिखाई देता है, तो इसीलिए कहते हैं कि अगर करोड़ों जन्मों के पाप के पहाड़ हैं, वो नाम रत्ती भर अगर हमारे अंदर प्रकट हो जाए, शब्द सुनाई दे दे, तो एक सेकंड में सब जला के भस्म कर देता है और मन निर्मल पवित्र शीशे जैसा हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, क्योंकि सारी मैल कर्मों की मैल मन पे ही चढ़ती है, मन ही कर्म करवाता है और कर्मों की मैल मन पे ही चढ़ती है, आत्मा पे नहीं। आत्मा तो पहले भी निर्मल थी, आज भी निर्मल है, आगे भी निर्मल रहेगी, क्यों? आत्मा परमात्मा का अंश है, ये सतलोक सचखंड के रहने वाली है, ये शब्द और प्रकाश रूप में है, हमारे अंदर है आत्मा, शब्द और प्रकाश रूप में है, उसका कोई शरीर नहीं है। अगर शरीर होता तो वो भी नाश होता था, वो शब्द और प्रकाश रूप में है। जब आपकी तीसरी आंख खुलती है, आप अंदर देख सकते आत्मा को, पहले अपना आत्मा ही नजर आता है। इसीलिए महात्मा कहते पहले अपने आप को तो पहचानो आप कौन हो, तो बाद में वो मालिक मिलेगा, पहले आपको ये भी पता नहीं कि हम कौन है। आप किसी से भी पूछो भाई कौन हो, तो शरीर का नाम बता देते हम फलाना है। कोई कहता मैं आत्मा हूं, भूल गए, अपने पिता को भी भूल गए, अपने घर को भी भूल गए, अपने आप को भी भूल गए, शरीर बने बैठे, और इसीलिए आज हम 84 की जेल खाने में भटक रहे हैं। महात्मा कहते भाई तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो किराए का मकान है, तुम्हारे कर्मों के भुगतान के लिए 4 दिन के लिए दिया गया है, ये तो 5 तत्व का पुतला मट्टी का है। जब तक आत्मा इसमें बैठी है ये काम करता है, और जिस दिन आत्मा इस मकान को खाली कर देगी, देखो इसका सब बंद हो जाएगा। इसको 4 आदमी की जरूरत पड़ेगी। आत्मा जिस दिन ये मकान खाली करते ही इसकी हालत गंभीर हो जाती है, ये मट्टी है, इसका वजन बढ़ जाता है, इसीलिए मुर्दे को उठाने के लिए 4 आदमी की जरूरत पड़ती है। क्यों? हवा निकल जाती है। आत्मा बैठे रहने से ये हल्का रहता है, चलता फिरता है, और जिस दिन आत्मा मकान खाली करती है, ये जड़ है, मट्टी है, ये 4 आदमी की जरूरत पड़ती है इसको उठाने के लिए। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई तुम पहले अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, और यहां आकर के यहां के ही बन गए। ये काल और माया की नगरी है, सुख दुख की नगरी है, जन्म मरण की नगरी है। इस दुनिया में ना आज तक किसी को सुख शांति मिला, ना कभी मिलेगा, सपने में भी नहीं। शांति आपके अंदर है, आपके अंदर उस नाम में है, शांति बाहरी कोई दुनियावी चीजों में नहीं है। आज 10 करोड़ नहीं, कितना सैकड़ों करोड़ जमा कर लो, शांति मिलेगी? कहते नहीं भाई, सपने में भी नहीं। ना शांति धन दौलत से है, ना शांति मान बढ़ाई में है, ना शांति राज्य में है, शांति आपके अंदर उस नाम में है। जब आप अंदर आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुल जाए, शब्द प्रकट हो जाए, तो आपकी आशा तृष्णा खत्म हो जाती है, मन मर जाता है।
जब मनी नहीं रहेगा तब जाके हमारी रूहानी सफर तो हमारा काम बन जाता है। अब जब तक ये मन शैतान है ये कहां भक्ति करने देगा, यही सबसे बड़ी रुकावट है। ये अंदर में जाके जब शब्द की लज्जत इसको मिलती है तो शब्द में समा जाता है, दुनिया को लात मार देता है मन, दुनिया में लौट के भी नहीं आता मन, ये दुनिया छोड़ देता है, जाके शब्द से जुड़ जाता है। तो जहां मन नहीं वहां सतृष्णा नहीं, तब जाके सच्चा सुख और शांति मिलती है। दुनिया के सामान में शांति नहीं है, ना धन दौलत में है, ना राज्य में है, ना मान बड़ाई में है, शांति उस मालिक के नाम में है जी। कोटि कर्म कटी पलक में जो रंचक आवे नाव, कोटि कर्म कटी पलक में जो रंचक आवे नाव, जुग अनेक जो पुण्य करी नहीं नाम बिन ठाव। तो वही कहते हैं कि नाम बड़ी ऊंची चीज है, किंचित मात्र वो नाम हमारे अंदर प्रकट हो जाए तो हमारा काम बन जाए। कहते हैं नाम को छोड़ करके बाहर आप कितना भी पुण्य कर्म कर लो, दान पुण्य तीर्थ व्रत उपवास पूजा पाठ ये सब पुण्य कर्म है, लेकिन कितना भी कर लो लेकिन मुक्ति नहीं मिलती, भुक्ति मिल जाती है। आपके किए कराए का इनाम मिलेगा, आप सेठ साहूकार बन के आ सकते हैं, और भी तपस्या कुछ गौर किया तो राजा महाराजा बन के आ सकते हैं। अब राज महाराज कौन होते, तपस्वी लोग होते हैं, जिनकी तपस्या में कुछ कमी रह जाती है ऐसे लोगों को उसका फल मिलता है और राजा महाराजा बन के आ, मिनिस्टर बन के आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ये सब तपस्वी लोग हैं पिछले जन्म के, आज उनके हुक्म कानून कायदे बनते, हम लोगों का हुक्म कौन मानेगा, वो तपस्या का पावर है। कहते तप से राज, राज से नरक, तपस्या के कारण ही राज्य मिलता है उनको, लेकिन वो लोग अहंकार में आके जो काम कर बैठते देखो अभी अनायास ही मारे जा रहे हैं बेचारे। कौन कर रहा है, राजा ही कर रहा है ना, वो कितना पाप अपना जमा कर रहा है बताओ, कितने जन्म में वो उसका उद्धार होएगा। जो भी है अभी इतना फायरिंग कर रहा है, इतना बम डाल रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया था, किसी का क्या नुकसान किया था, एक अहंकार। अब वो कितने जन्मों में उसके ये कर्म कटेंगे, नरकों में कितना जन्म भुगतना पड़ेगा भाई, इसलिए तप से राज, राज से नरक। राज नरकी जीव होते, अहंकार में आके कैसे कैसे कर्म कर बैठते, तो हिसाब तो देना पड़ता है। काल बहुत कठिन है, इसीलिए महात्मा कहते भाई कि जप तप और पूजा पाठ तीर्थ व्रत करने से आपको उसका फल मिलेगा, लेकिन मुक्ति नाम के बगैर मुक्ति नहीं है, उसका फल मिलता है, लेकिन मुक्ति के लिए नाम की जरूरत है जी। कबीर सतगुरु नाम में सुरत रहे सरसार, कबीर सतगुरु नाम में सुरति रहे सरसार, ते मुकते मोती जरे हीरा अनंत पार। तो वही कहते हैं कि जिसके मुख से वो नाम का सुमरन चलते रहता है, कहते हैं वो धन्य है, कहते हैं उनके मुख से वो मोती झरते हैं,
उनके वाक्य अमूल्य होते हैं, सुनने में अच्छा लगता है। तो कहते उनके वाक्य भी अमूल्य होते हैं जो नाम के रंग में रंगे होते हैं। कहते हैं कि उनको उनका का वो तो नाम के रंग में रंगते हैं और वो मालिक ही उनका कारोबार करता है। आपने देखा है ना, वो भक्त वत्सल भगवान होता है, मालिक भक्त वत्सल है। ऐसे ही आप नाम के रंग में रहेंगे, गुरु आपके रंग में रहेगा। वो हर जगह आपकी संभाल करेगा, दुनिया में भी आपकी मदद करेगा और अंत समय आपको लेने के लिए गुरु खुद आप आएगा। यमदूत नहीं आने देगा, ये उसकी ड्यूटी है। और ऊपर के मंडल में ले जाके रखेगा। जैसे जैसे जिसका गुरु के प्रति प्रेम होता है, जैसे जैसे जिसकी भक्ति होती है, उसको ऊपर के मंडलों में वैसे वैसे गुरु आशा देता है। और कोई प्रेमी है जिसको दुनिया की कोई आशा नहीं, गुरु से नाम लिया है और भजन सुमरन थोड़ा बहुत जितना होता है करता है, लेकिन दुनिया की कोई भी उसको आशा नहीं है, तो ऐसे जीव को संत सीधा सतलोक लेके जाते। क्या चीज है हमें बीच के स्टेशन पे रोकती है? हमारी आशा, दुनिया का मोह, दुनिया की आशा तृष्णा ही हमें ऊपर जाने नहीं देती है। हमें सहस्त्र दल कमल में रखते हैं, वहां भजन कराते, बड़ी लंबी समय भजन करना पड़ता है अंदर में, या नहीं किए तो वहां करना ही पड़ता है सूक्ष्म शरीर में। भजन किए बगैर मुक्ति नहीं, चाहे यहां करो चाहे अंदर में करो, लेकिन जन्म में तो फिर जन्म मरण में तो नहीं भेजते संत, मृतलोक में नहीं भेजते, ऊपर के मंडल में रखते। अभी हम स्थूल शरीर में हैं, वहां सूक्ष्म शरीर में रखते और वहां भजन करवाते हैं। एक बात है, वहां बड़ा लंबा उम्र होता है, उम्र के हिसाब से वहां रहना पड़ता है, तो बड़ी लंबी लंबा भजन टाइम भी भजन करना पड़ता है। लेकिन यहां जैसे वहां तकलीफें नहीं है। अब यहां क्या है, हमें सारी चिंता है, सब चीज की चिंता होती है, कुटुंब परिवार का ममता मोह है, व्यापार बिजनेस कारोबार व्यवसाय जो भी है सबकी चिंता है। ये चीजें वहां नहीं होती। क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो ये थोड़ा निर्मल हो जाता है, मन पूरा साफ हो जाता है शीशे जैसा। कर्म थोड़े ही रहते हैं, वो कर्म वहां भुगतने पड़ते हैं। तो वहां पे गुरु का दर्शन होते रहता है, शब्द सुनाई देता है, ज्योति दिखाई देती है, इन सब के देखने से सुनने से हमारे पाप कटते जाते हैं, हमें वहां सुमरण करने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु सामने होता है, उसको देखते रहना और ज्योति का दर्शन करना, शब्द सुनते रहना, उससे कर्म कटते जाता है, शब्द से ही कर्म कटता है। और बहुत लंबा समय वहां रहना पड़ता है, फिर वहां से उठा के पार ब्रह्म कहते ना, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। ये चार जन्म यहां नहीं लेना पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि चार जन्म यही लेना पड़ता होगा, नहीं नहीं, जिनको नाम मिला है फिर मृत लोक में माने मानव शरीर में नहीं भेजते, उसको ऊपर के मंडल में ही रखते हैं, जो सूक्ष्म शरीर में रखते ऊपर वो दूसरा जन्म, और फिर तीसरा जन्म मुक्ति पद यानी पार ब्रह्म। मुक्ति पद पार ब्रह्म होता है, जीव वहां जाके मुक्त हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और फिर चौथा जन्म सतलोक। इस तरह से ले जाते, यहां नहीं चार जन्म,
यहाँ देते तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, फिर तो हम गुरु को राजीनामा दे देंगे आराम से, जैसे अभी गुरु को राजीनामा दे के बैठे हैं। फिर मानव शरीर मिलेगा तो फिर राजीनामा दे देंगे, क्या करें महाराज, टाइम ही नहीं मिलता। ये खटपट में गुरु को राजीनामा दे दें, इसलिए गुरु भी चालाक होता है। वो इधर भेजने की बजाय ऊपर रखता है। जो देवी देवताओं से बहुत ऊंचा स्थान है, जहां देवी देवते भी नहीं पहुंच सकते वहां रखता है, बहुत अच्छी जगह है। और वहां भजन करवाते हैं सूक्ष्म शरीर में। तो वहां से उठा के पारब्रह्म, वो तीसरा जन्म, एक जन्म तो यहां हो गया, दूसरा जन्म अंदर सूक्ष्म शरीर में, तीसरा पारब्रह्म, और चौथा सतलोक। मुक्ति पद सतलोक। अब लोग सोचते हैं कि चारों यहीं पे होता होगा तो चौथे में शायद मुक्ति मिलती होगी। ऐसी बात नहीं है, कहते ना जिनको सदगुरु मिलिया उनका लेखा नहीं बढ़ा, जिनको कामिल मुर्शिद पूरा गुरु मिल गया उनका लेखा जोखा खत्म हो गया। अब उसको यहां आने जाने की जरूरत नहीं, उसको ऊपर रखते हैं और वहां भजन कराते हैं। मृतलोक में नहीं भेजते संत, मृतलोक में किसको भेजते हैं, जो नाम लेके गुरु और नाम को राजीनामा दे देता है, पीने और खाने में लग जाता है, छोड़ देता है रास्ता, शराब कबाब बुरे लत में पड़ जाता है, रास्ता छोड़ जाता है, ऐसे लोग को फिर गुरु नहीं आते अंत समय, उनको एक जन्म फिर मानव शरीर में आना पड़ता है। और मानव शरीर में कैसे, क्यों कर्म बहुत बड़ा लिया इसने, तो गुरु क्या, गुरु के हाथ में है भेजने का, तो गुरु क्या करते हैं, धर्मराज को हुक्म देते हैं, जो जजमेंट करता है ना जज धर्मराज, उसको ही हुक्म देते हैं कि मेरा एक जीव ऐसे गांव में शरीर छोड़ रहा है, उसकी रक्षा करके और ऐसे गांव में ऐसे घर में पैदा कर दो, कोई सत्संगी घर बता देते, तो धर्मराज खुद जाते हैं और उस आत्मा की संभाल करके उसको ले जाके जहां गुरु बताए होते हैं वो सत्संगी घर पैदा कर देते, तो वहां उसको एक जन्म देना पड़े। तो जन्म में आने के कारण से जो पहले गुरु का कनेक्शन था शब्द से, वो टूट जाता है मृतलोक में आने से, तो फिर उन्हें नया गुरु की जरूरत पड़ती है, लेकिन नाम का बीज का नाश नहीं होता। तो जो भी संत ड्यूटी है अभी यहां पे, जिन भी संतों की ड्यूटी होती है, वो नाम का बीज होने के कारण से वो संत उन्हें अपने चरण में लेते हैं, अब फिर वो नाम देके उस आत्मा को उसका कर्म आप लेके उसको उठा के माने उसको उद्धार करते, लेकिन छोड़ते नहीं, एक जन्म देते हैं वो कर्म का भुगतान कराने के लिए, लेकिन संत कभी छोड़ते नहीं नाम दे करके। अगर संत मत के अंदर अगर सिख गुरु को छोड़ के चला जाए नाम लेके, लेकिन गुरु सिख को नहीं छोड़ता, क्यों, उन्होंने कनेक्शन शब्द से जोड़ा है, वो शब्द कभी छोड़ता नहीं, वो जरूर उसकी ये करता है, उसका साफ सफाई करके उसको लेके जाता है। तो कहते हैं कि इसीलिए करोड़ों जन्मों के पुण्य से तो मानव शरीर मिलता है, उस प्रभु परमात्मा के कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। जिस आत्मा पे परमात्मा को दया आती है, इस आत्मा का उद्धार करना, ऐसे आत्माओं को ही परमात्मा संतों के समागम में भेजता है, कोई न कोई जरिया बन जाता है और ये संतों के समागम में चला जाता है, और संतों का परमात्मा से कनेक्शन होता है, ये उसको शब्द से जोड़ के अपना बना के सेवा सत्संग और भक्ति करा के साफ करके इसको लेके जाते।
तो कहते हैं जरिया होता है। तो इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं कबीर सतगुरु नाम में सुरत रहे सरसार। हाँ तो कहते हैं कबीर सतगुरु नाम से सुरत रहे सरसार ते मुख मोती। हाँ कहते हैं कि जिसकी लौ उस नाम के साथ जुड़ गई तो उसका कोई बयान ही नहीं है, वो धन्य है, वही गुरुमुख है जी। सत नाम निज औषधि सत गुरु दई बताए, सत नाम निज औषधि सत गुरु दई बताए, औषध खाए रूप तरे ताकि बेदन जाए। तो वही कहते हैं अब हम शरीर में कोई बीमारी होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो महात्मा कहते हैं हमारे पीछे एक बड़ी बीमारी अपना घर घर बैठी है, पीछे पड़ी है, बहुत बड़ी बीमारी। कौन सी बीमारी? ये भव रोग की। पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, ये भव रोग, ये बीमारी हमारे पीछे पड़ी है। अब हम इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए संतों के पास जाते हैं और संत हमें वो औषध देते हैं, वो औषध देते हैं और कुछ पथ्य बताते हैं। तो कहते हैं औषध खाए और पथ रहे ताको वेदन जाए। कबीर साहब जी कहते हैं सतगुरु, हाँ क्या सदगुरु, सदगुरु निज नाम औषधि। हाँ सदगुरु ने नाम की औषध बता दिया, अब उसको जो पत्थर रहते हैं जो औषध खाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, उनकी बीमारी दूर हो जाती है, वो भवसागर पार हो जाते हैं। और जो मन के दायरे में कर्म करते हैं औषध नहीं खाते हैं, अभी हम डॉक्टर के पास गए फला बीमारी है उसकी उन्होंने दवा दिया और दवा लाके हम अलमारी में बंद करके बैठे हैं तो हमारी बीमारी कैसे जाएगी? तो हम डॉक्टर के पास नहीं गए, गए तो बीमारी क्यों नहीं गई? हमने दवा नहीं खाया, वो आले में बंद करके बैठे। तो कहते हैं ऐसे हम गुरु के पास नहीं गए, गए गुरु ने हमें कुछ नाम नहीं दिया तो क्यों आज हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है, हम जहां के तहां ही पड़े हैं? क्योंकि हमने वो दवा खाया नहीं, वो नाम रूपी दवा, उसको ये 6 फीट के अलमारी में बंद करके बैठे हैं। ये 6 फीट का अलमारी, इसके अंदर ताला मार के बैठे हुए। तो बताओ हमारी बीमारी कैसे दूर होगी? ये भव रोग की बीमारी कैसे दूर होगी? भाई अगर हम नाम सुमरन करें, नाम का औषध खाएं, पथ रहे ताको वेदन जाए, तो कहते हैं हमारी बीमारी क्यों नहीं दूर होगी? यदि इसी जन्म में सतलोक जो भी महात्मा हुए हैं उन्होंने गुरु का हुक्म माना, रात दिन भक्ति किया और वो महात्मा बने। कोई भी भक्ति के बगैर महात्मा नहीं बना है, आप किसी भी महात्मा का जीवन चरित्र पढ़ के देखो उन्होंने कितना त्याग किया अपने सदगुरु के लिए, उस मालिक को पाने के लिए सब कुछ छोड़ा और खान पान का भी त्याग किया, निद्रा को भी दूर किया, रात रात भर उस मालिक के लिए जागे रोए, तब जाके उस ताकत को उन्होंने अपने अंदर पाया। कहते हैं गाय, कहते हैं गाय, कहते हंस खेल और गाय के पति मिले तो कौन दुहागन होए। कहते हैं कि इस तरह से हंस खेल के और खुशी से परमात्मा मिलना होता तो इतना तकलीफ महात्मा को उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ती? कहते नहीं भाई, बगैर साधन के बिगर तकलीफ उठाए शरीर को उन्होंने सब तरह से साधा है, खा
खान पान निद्रा सब तज के रात दिन उस मालिक के लिए रोया, तब वो मालिक को पाया है। कुछ खोने से ही मिलता है। तो कहते भाई ऐसे ही अगर मिलना होता तो सबको मिल जाता मालिक। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई सदगुरु ने हमें इस भवसागर से पार होने का औषध दिया है। अब जो औषध खाएगा, पथ्य रहेगा ताको बेदन जाए, उसकी सारी ये भवसागर की बीमारी दूर हो जाएगी और वो अपने घर सतलोक सचखंड पहुंच जाएगा, अपने पिता से मिल जाएगा। तो ये बीमारी यही है, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना। हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? फिर इसमें नहीं आना, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए। और गुरु हमारी जवाबदारी लेता है, वो हमें रास्ता बताता है, नाम देता है, भजन सुमरण करने का तरीका समझाता है। अगर हम नहीं करें तो हमारे अंदर परिवर्तन कैसे आएगा? तो अगर हम रोज 2 घंटे भजन सुमरण करें तो परिवर्तन 100% आना ही आना है। एक नर नारायण बन जाएगा, एक मानव महात्मा बन जाएगा, इतनी ताकत है नाम में। लेकिन हम नाम का दवा नहीं खाते, सुमरण नहीं करते, इसीलिए हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है। हम जहां के तहां पड़े रह गए, रात दिन झूठे दुनिया की चिंता करके हाय हाय कर रहे, रो रहे हैं। नाम का सुमरण करके हम सुख आनंद में जीने की नहीं सोच रहे। कबीर साहब ने भी कहा है ना, आपको इस दुनिया में सुख और शांति की जरूरत है तो आपको क्या करना? तो कहते सुमरण, पहले लाइन में कहा है सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण करे तो साई माही मिलाए। फायदा ही फायदा है। सुमरण करने से हमारे पाप कटेंगे, पाप कटेंगे, मन निर्मल होएगा, मन निर्मल होएगा तो हमें सुख और शांति मिलेगी। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तो शांति कहाँ, अशांति रहेगी। तो मन निर्मल होएगा तो सुख शांति मिलेगी। और जिसका हम सुमरण करते हैं उसी में एक दिन जाके समाएंगे। मालिक का नाम सुमरण करते हैं तो मालिक में जाके समाएंगे, दुनिया का सुमरण करते हैं तो फिर दुनिया में आ जाएंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जहां आशा तहां वासा, दुनिया का मोह, दुनिया की आशा, दुनिया का प्रेम प्यार फिर दुनिया में लेके आएगा। नाम का प्रेम प्यार हमें मुक्ति दिलाएगा, मालिक से मिलाएगा। जी कबीर सतगुरु नाम में बात चलावे और, कबीर सतगुरु नाम में बात चलावे और, तिस अपराधी जीव को तीन लोक की तठोर। तो वही कहते हैं कि जो लोग नाम का विरोध करते हैं, नहीं मानते हैं। अब देखो धनी धर्मदास के घर में उनका लड़का नारायण दास था, एक ही लड़का था। तो जब भी कबीर साहब धनी धर्मदास के घर आते थे तो वो लड़का कबीर साहब की तरफ पीट करके उस तरफ उल्टा मुंह करके बैठ जाता था, वो नहीं इनका दर्शन करना चाहता था। अब धनी धर्मदास को चिंता कि हम पति पत्नी तो दोनों नाम ले लिए, ये महाराज ने हमें नाम दिया, मुक्त किया, अब इसको भी नाम दे दे तो अच्छा है। वो 12 साल का लड़का, लेकिन वो पूरा विरोध करता था। जब जब कबीर साहब घर में आते तुरंत मुंह फेर लेता, उनकी तरफ पीट करके बैठ जाता। एक बार तो जबरदस्ती लेके आए, लेकिन उसने नमस्कार नहीं किया, उनकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं।
तो जब वो 15-16 साल का हो गया तब एक दिन धर्मदास हो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कबीर से कि महाराज दया करो, हम दोनों पे तो दया किया, अब इस पे भी दया करो, इसको भी उपदेश दे दो, एक ही लड़का है। तो कबीर साहब कहते हैं कि देखो धर्मदास, अगर तू उनकी चिंता उसकी चिंता किया तो तुम भी नरक में जाओगे, वो काल है तुम्हारे घर में, वो प्रत्यक्ष अवतार लेके आया है, वो निरंजन कांस है, वो कभी भी हमारी तरफ नहीं देखेगा और तुम्हारे भी भक्ति में वो सपोर्ट नहीं करेगा, तुम्हारा हमेशा विरोध करेगा, इसके लिए वो तुम्हारे घर में आया है, वो नया पंथ चलाएगा, तुम उसका ख्याल छोड़ दो, मेरा लड़का है, अगर उसका ख्याल करोगे तुम भी नरकों में जाओगे। तब तो उसका ख्याल छोड़ दिया। आपने देखा है ना, गुरु नानक के दो लड़के थे, श्री चंद लक्ष्मी चंद, लोग दूर दूर से आके गुरु नानक से उपदेश लेके जाते थे, लेकिन वो दोनों ने कभी उपदेश नहीं लिया, वो गुरु नानक के मत का विरोध किया और उन्होंने दूसरा मत चालू किया, उदासी मत। जो बाबा अमोलक दास थे अजायब सिंह महाराज के पहले गुरु, वो उदासी मत के उन्हीं के शिष्य से ही नाम लिया था, अमोलक दास। तो कहते हैं कि वो तुम्हारा विरोध, वो उल्टा विरोध किए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर में हमारे पास जो आत्माएं आती हैं सब अच्छी रहती हैं। तो हमें भाई जो सुनता है जो आता है ठीक है नाम दिलाओ, लेकिन हमें कभी भी जबरदस्ती किसी से नाम नहीं दिलाना चाहिए, किसी को भी नहीं दिलाना चाहिए जब तक वो खुद आकर के नाम नहीं लेता। हम घर में रह के भी हमें जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारे अंदर तो एक प्रेम है, प्रेम से हम सोचते हैं कि चलो सबको नाम मिला उसको भी मिल जाए, लेकिन उसको नाम की इच्छा नहीं होती है तो जबरदस्ती दिला देते हैं और वो उल्टा चलता है, उसके अंदर वो विश्वास नहीं आता है। जो अपने आप आएगा वो जरूर कुछ करेगा। तो इसीलिए घर के परिवार हो कोई भी हो, आप उनकी चिंता मत करो, आपको नाम मिला बहुत बड़ा भाग्य है, आप भजन सुमरन करो, किसी के बारे में मत सोचो उसका क्या होगा इसका क्या होगा, जाने दो बस। जो मालिक ने आज तुम्हें तुम्हारा ये किया वो उसको भी करेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि चलो आगे क्या होगा, उसको कौन नाम देगा, अरे भाई वो संत परंपरा हमेशा चलती आई है, चलती रहेगी। उसको मालिक के ऊपर छोड़ दो, सबको उसकी चिंता है, उसकी चिंता है सबको, वो चिंता करता है, वो जिसको उद्धार करना है उसका उद्धार करेगा। आपको नाम मिला पहले, आप बला तो सब बला। अपने आत्मा को पहले इस भवसागर से वो निकालो, अपना बारे में सोचो पहले। हम अपने बारे में सोचने के बजाय दुनिया के बारे में सोचते, पहले अपना आप मुक्त हो जाओ तो दुनिया को मुक्त करो, कोई बात नहीं। तो कहते भाई भक्ति करो, अगर आप घर में एक आदमी भजन सुमरण करता है उसका प्रभाव सारे कुटुंब पे पड़ता है, धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आता है, वो भी आएंगे नाम ले लेंगे अगर उनके भाग्य में होगा तो। नाम सुमरण करने से उनमें परिवर्तन आएगा, उनके साथ जबरदस्ती करने से नहीं। आप देखते हैं ना, एक घर में एक सत्संगी, अगर वो थोड़ा बहुत ध्यान बैठता है तो उसके प्रभाव से धीरे धीरे पूरा कुटुंब ही परिवर्तन आ जाता है, संत मत में बदल जाते हैं, नाम में ऐसी ताकत है। तो इसीलिए आप सुमरन करना सीखो, दूसरे के ऊपर जबरदस्ती मत करो, उसकी मर्जी,
वो जब चाहेगा उसको नाम लेना है नहीं लेना उसको मर्जी पे छोड़ दो, हमें कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए जी। सुपने हूँ मैं बराई के दो के हूँ निकरे नाम, सुपने हूँ मैं बराई के दो के हूँ निकरे नाम, वाके पग की पैतरी मेरे तन को चाम। अब कबीर साहब जी देखो कहाँ तक दीनता नम्रता करते हैं कि अगर कोई धोखे में भी मालिक का नाम सुवरण करता है तो मैं उसके बलिहार जाता हूँ, मेरे शरीर का चमड़ा निकाल के मैं उसको चप्पल बना के पहनाऊंगा, माने वो धन्य है जो कि भूल के भी मालिक का नाम सुवरण करता है, वो भी धन्य है। कहते हैं कि मैं अपना शरीर का चमड़ा निकाल के उसके लिए माने चप्पल बना के उसको पहनाऊंगा, माने कितनी बड़ी दीनता नम्रता है, मैं उसके नीचे चरणों के नीचे बैठूंगा बोलते हैं। हाँ, तो नाम सुमरण करने वाले को महात्मा इतना बढ़ाई देते क्योंकि नाम बड़ी ऊंची चीज है, अगर हम सुमरण करें तो हमें पता चले उसमें क्या ताकत है, अगर हम सुमरण ही नहीं करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा नाम क्या चीज है गुरु क्या चीज है। तो इसीलिए सुमरण करने के बगैर नाम के बारे में हमें कुछ पता नहीं चल पाता जी। वही सुपने हूँ मैं बराई के दो के हूँ निकरे नाम, सुपने हूँ मैं बराई के दो के हूँ निकरे नाम, वाके पग की पैतरी मेरे तन को चाम। राधा, राधा।